नंद बाबा मंदिर में दो युवकों की नमाज पढ़े जाने के बाद से सियासी पारा लगातार चढ़ता दिख रहा है। इस घटना के बाद से मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने का सिलसिला जारी है। इसी बीच हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का भी विवादित बयान सामने आया है। तो क्या कहा साध्वी प्राची ने, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने अब जिहाद और मंदिरों में नमाज के मुद्दे पर नया बयान देकर हलचल मचा दी है। साध्वी प्राची के अनुसार देश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून होना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वहीं मंदिरों में नमाज पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं को देश की मस्जिदों में जाकर हवन पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने खुद लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में जाकर हवन पूजन करने का भी ऐलान कर दिया है। साध्वी प्राची का कहना है कि ऐसा करने से सामाजिक सद्भाव बनेगा। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने तो इसमें बीजेपी और सभी नेताओं को भी शामिल होने की सलाह दे डाली है। वहीं लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों पर साध्वी प्राची ने कहा है कि लव जिहाद मदरसों से फैल रहा है, ये अरब राष्ट्रों से जुड़ा मिशन है, इन देशों से पैसों की फंडिंग की जाती है, इसीलिए लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार से जाँच करने की भी बात कही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।